हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय टेक मास्टर का स्वागत है। तो दोस्तों, यहाँ पर यूलेट की तरफ से काफ़ी बड़ी अपडेट है। अपडेट को क्या है, अपडेट में आपको बता दूँ तो यहाँ पर रिजल्ट को लेकर अपडेट है। तो आपको यहाँ पर बताता हूँ क्या अपडेट है कंप्लीट। तो दोस्तों, चैनल पर को पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, राजस्थान यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट पर आ चुका हूँ। यहाँ पर बात करते हैं कि यूलेट में क्या अपडेट है। यूलेट पर जाना होगा। यूलेट पर जैसे क्लिक करते हो आपके सामने न्यू टैब ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको जो है यूलेट के जहाँ से फॉर्म अप्लाई होते हैं वो यहाँ पर पेज है वो ओपन हो जाएगा। फिलहाल वेट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर रिजल्ट को लेकर अपडेट है। अपडेट क्या है वो आपको मैं बता दूँ तो फिलहाल यहाँ पर रिजल्ट को है पोस्टपोन कर दिया गया है। तो वहाँ ये आपको मैं बताऊँगा कि कब आएगा, पोस्टपोन क्यों किया गया, वो रीजन्स आपको बताऊँगा और क्या बताया गया है, क्या नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो गाइस, इस तरीके से आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे टॉप पर आपको नोटिफिकेशन जो शो हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हो नोटिफिकेशन रिगार्डिंग आंसर की एंड रिजल्ट रिगार्डिंग जो है वो नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक करते हो आपके सामने कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो नोटिफिकेशन है वो आपको मैं बता देता हूँ जूम करके। आपको यहाँ देखिए, यही नोटिफिकेशन में आपको बताया गया है कि जो है आपका यहाँ पर देख सकते हो कि आंसर की एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट यूलेट 2022 इज पोस्टपोन्ड टिल फर्दर नोटिस। तो आपका यहाँ पर फिलहाल के लिए यहाँ पर जो है पोस्टपोन कर दिया गया है। फिलहाल यहाँ पर ये यहाँ पर कहा नहीं गया कि कब आपका जो है रिजल्ट आएगा, बट आपको यहाँ पर ये कह दिया कि फिलहाल के लिए यहाँ पर जो है पोस्टपोन किया जाता है। रिजल्ट जब भी आएगा उसके बारे में बता दिया जाएगा, आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो गाइस, रीजन में आपको बता दूँ यहाँ पर अभी यहाँ पर जो है छात्र संघ चुनाव यहाँ पर जो है वो चुनाव चल रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर जो है इनको यहाँ पर पोस्टपोन किया गया है। यहाँ पर आचार संहिता लागू होने की वजह से ना वो रिजल्ट डाल सकते हो ना ही वो एडमिशन प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर पोस्टपोन किया जा रहा है। फिलहाल बात करें अगर रिजल्ट की, तो रिजल्ट आपका जो है लगभग जो है आपका छात्र संघ जो चुनाव है उसका रिजल्ट, चुनाव का जो रिजल्ट आएगा उसके बाद में स्टार्ट होंगे। फिलहाल आपको 27 और 28 तारीख तक आपको वेट करना होगा, उसके बाद में रिजल्ट देखने को मिलेगा। सभी इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगी। फिलहाल इस वीडियो को करेंगे यहीं पर समाप्त। आपको अगर ये नोटिस यहाँ पर डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर हर अपडेट आपको मिलती रहती है। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं इसी वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।